निगार, आप ईरान की हैं, तो ये बताइए हिंदुस्तान का चक्कर कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? I was studying in Australia. I did my business, my bachelor's in business, in marketing and advertising, and my master's in international business. And after that, I got a modeling assignment in India. अच्छा निगार, आप जब यहाँ बॉलीवुड में आई गई तो आपको पता है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही एक्सपोज करने वाला चल रहा है, तो आप कहाँ तक की एक्सपोज करने का ख्याल रखती हैं? I came to Bollywood, I mean, I'm doing acting. It's not about exposing the most. Whatever I'm comfortable with, I would wear. नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल दे कि नहीं ये डिमांड है और कुछ ज़्यादा ही कुछ इसमें एक्सपोजर हो तो आप करेंगी वो? नहीं देखो, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो क्यों करूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा टैलेंट है. ऐसा नहीं कि मैं कपड़े एक्सपोज करूँगी और अच्छा मूवी बन सकता, ऐसा नहीं है. टैलेंट चाहिए, एक्टिंग टैलेंट चाहिए, और यू नो यू कैन नॉट से दैट ओके फाइन इफ आई एक्सपोज मोर द मूवी विल बी बेटर. नो निगार, आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रही हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? मैं खुद से सीखा हिंदी, मेकअप आर्टिस्ट के बात किया और कुक के साथ दो दो घंटे बात किया और हर आदमी के साथ मैं उसको बोल रही हूँ मेरे साथ प्लीज़ हिंदी बात करूँ, मैं इंग्लिश बात नहीं करूँगी किसी के साथ. तो ये हिंदुस्तान में आके पॉसिबल हुआ या जहाँ ईरान में था? हिंदुस्तान में आया, 8 महीने में हिंदी सीखा खुद से. निगाह, जैसे मुझको पता है कि आपको 10 लैंग्वेजेस आती हैं, 10, तो वो लैंग्वेज आपको कैसे आती हैं? आप उन देशों में गई वहाँ जाके सीखा या फिर ईरान में कुछ लैंग्वेजेस आपने सीखी? मैं नॉर्वेजियन, आई लिव इन नॉर्वे, नॉर्वे में रहती हूँ इसीलिए नॉर्वेजियन आती हूँ, टर्किश आती हूँ. वो जगह में मैं बहुत जगह से रहता था इसीलिए मेरा इतना लैंग्वेज है मेरे पास. बट क्योंकि मेरा नॉलेज है इतना लैंग्वेज से क्योंकि इतना नॉलेज है इसीलिए मैं खुद से जल्दी सीख रही हूँ. निगाह, आप जो हिंदी काफ़ी अच्छी बोली, तो अब आप जो है दूसरों को हिंदी सिखा भी सकती हैं? हाँ, ज़रूर कर सकती है, और इसका सीक्रेट भी बता सकती है कि कैसे हिंदी जल्दी सीखूँ. ये टीचर की बात नहीं है, मैं खुद से कोशिश किया, मैं बोला कि ओके मैं बिंदास बात कर रही हूँ. चलिए निगाह, सारा समय मुंबई से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.